इसकी क्या प्राइस है? हाय नमस्ते वनकम सत श्री अकाल की हाल चाल, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है विख्यात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप शौकीन हैं बाइक के, बाइक चलाने के, अगर आपको पसंद है सेकेंड हैंड बाइक लेने का वो भी कम रेट्स के अंदर, तो आज मैं जो है वो आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है वो कम रेट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छी बाइकें कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आज मेरे साथ में, आज को मैं आपको आज जो है वो मैं आज जयपुर का मार्केट जो है वो घुमा करके लेकर के आता हूँ और बताता हूँ कि कैसी कैसी बाइक जो है वो वहाँ पर मिलती हैं और क्या है उनमें सी अच्छी चीज़ें कि आपको उनको लेना चाहिए और वो सारी चीज़ें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वो सारी बाइक्स के रेट्स, प्राइस और कैसी दिखती हैं सारी बाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलेट है ये वाली जो बाइक है, कितने की है ये वाली बुलेट, कितने किलोमीटर चलेगी और कितने की मिल जाएगी अभी अपने को? 18,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। अच्छा, 65,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। 65,000 रुपये? 65,000। और कौन सा मॉडल लगाया आपने? मॉडल ये 99 मॉडल है। 99, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगी कितने की? 60 की। 65। और अगर मैं बात करूँ इसी KTM की, जो पीछे KTM दिख रही है, ये कितने की है? KTM 2015 का मॉडल है ये। प्राइस है 1,15,000 रुपये। 1,15,000। और नई कितने की आती है? नई 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये? 1,98,000 के आसपास में। हाँ, एक्स शोरूम का। और मॉडल कौन सा है? मॉडल 2015 मॉडल है। 2015 मॉडल, हाँ ठीक है। और इसमें किलोमीटर कितनी चली हुई है ये? किलोमीटर ये भैया 15 से 16,000 चली हुई है। 15 से 16,000 किलोमीटर चली हुई है। और अगर मैं बात करूँ इस पल्सर की, ये जो 220 पल्सर है, ये कितने की है? पल्सर 220 बाइक से ज़्यादा चली है। 22,000 रुपये? और कितने किलोमीटर चली हुई है ये? ये किलोमीटर अभी 20,000 के आसपास चली हुई है। 20,000 की। और कितने है इसकी प्राइस? दोस्तों यहाँ पे जो है वो बाइक काफ़ी सस्ती आपको रेट में मिल जाएंगी। 2007 मॉडल है ये। 2007 मॉडल है। 2007 मॉडल है ये। और इसकी प्राइस कितनी है? 22,000 रुपये। 2007 मॉडल पल्सर 220 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अवेलेबल है। इसमें से आपको KTM RC भी मिल जाएगी और एक ये बुलेट है वो भी आपको मिल जाएगी। बताइए सही बिल्कुल। और एक ये जो R15 है, ये R15 की क्या प्राइस है? R15 के बताओ। R15 के। और कौन सा मॉडल है ये R15 का? 2008। कितने किलोमीटर चली हुई है? 35,000। और कितना बताया इसकी प्राइस आपने? 45,000। और ये जो बजाज की जो एवेंजर है, ये कितने की है, इसकी क्या प्राइस है? 2014 मॉडल है, इसकी प्राइस है 45,000 रुपये। 45,000। और कितने किलोमीटर चली हुई है ये? चली हुई है 35,000। कितनी? 35,000। 35।
और मॉडल कौन सा बताया आपने? 2014। और प्राइस कितनी है इसकी? 45,000। दोस्तों ये जो अपने पास में ये जो एवेंजर है यहाँ पे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये जो एवेंजर है इसकी प्राइस काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी है, और काफ़ी अच्छी कंडीशन इस बाइक की है। ये जो FZ है ये कितने की बताइए आपने? FZ 35 की है, ये 45 की है। ये 35 की और वो 45 की, और मॉडल कौन सा है दोनों का? 2014 है वो, 2015 है वो वाला नया वाला, 2015 है और ये वाला 2014। प्राइस क्या है इनकी? 14 मॉडल की 35 है, 15 मॉडल की। अच्छा ये भी एज वाली जो अपाची है ये कितने की है प्राइस इसकी? ये 2014 मॉडल है, 45,000 रुपीज़ इसकी रेट है। अच्छा और कितने मतलब कौन सा मॉडल है ये? 14 मॉडल है, 2014। और प्राइस कितनी बताई आपने इसकी? 45,000। किलोमीटर कितने चली गई है? किलोमीटर 25 चली, 25 ओनली 25,000 ना? हाँ हेलो। ये वाली जो पल्सर है, 220 पल्सर है, 2017 मॉडल है, इसकी प्राइस हमने रख रखी है 70,000। ठीक है। हाँ और ये जो पल्सर है ये 150 वाली? 150 है अपने, 35,000 रुपीज़ की है, 2014 मॉडल है अभी। ये ब्लैक वाला? ब्लैक वाला, उसके बगल में ब्लू वाला है, वो 2015 मॉडल है, वो 42 का। अच्छा और ये जो आपने एक्टिवा रखी हुई है यहाँ पे, इनकी क्या प्राइस है? एक्टिवा भी है 2013 मॉडल है, ये वाइट वाला, वाइट वाला हाँ, इसकी प्राइस है 26,000 रुपीज़। ठीक है। और इसके मतलब ये जो आपके पास में एक्टिवाज वगैरह ये जो है इतनी रीजनेबल प्राइस में मतलब मिल जाती हैं इतने, और ये जो शाइन है ये कितने की है? शाइन ये 2013 मॉडल है, 2013 मॉडल है, ये 25,000 रुपीज़ की है। 25,000 रुपीज़। और मॉडल कौन सा बताया? 2013 मॉडल, 2013। और किलोमीटर्स कितने चली गई? किलोमीटर चली गई तकरीबन 25,000। तो ये जो है वो इनका कार्ड है, आप एक बार देख लीजिएगा, इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। और सिंपली अगर आपको उधर जाना हो उस दुकान के लिए तो वहाँ से जो है वो जयपुर से आप पूछ लीजिए कि अजमेरी गेट जो है वो कहाँ पड़ता है, वो आपको वहाँ से बता देंगे। अजमेरी गेट के लिए बस भी मिलती है, और अगर आपके पास में खुद का व्हीकल है तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, गूगल मैप्स पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जा करके जो शॉप नंबर जो मैंने कार्ड आपको प्रोवाइड किया था वहाँ से आपको शॉप नंबर की मदद से शॉप भी मिल जाएगी, और आप वहाँ जा करके अगर मेरा नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी जो है वो दे देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दबा दें सब्सक्राइब का ऑप्शन, ताकि आपको जो है अगली वीडियो के नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। वाह जकी रोजी करो।